रात को ब्लैक मैजिक रिमूवल्स और वशीकरण रिमूवल्स हो सकते हैं और क्या उनका प्रभाव रहता है, ये आज का टॉपिक है. ओके, ब्लैक मैजिक रिमूवल्स और वशीकरण प्रोसेसेस आल्सो. ओके, तो ये टॉपिक है, तो शुरू करते हैं. तो देखो, होली आने वाली है. जब तक ये वीडियो अपलोड होगा तब तक होली बहुत पास होगी कि वो आने वाली होगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस बारे में जो है टॉपिक बनाया जाए और इन्फॉर्मेशन दी जाए. तो देखो, मैंने और भी टॉपिक्स बनाए हुए हैं होली के दिन के लिए. अब जैसे कि मैंने वेबसाइट में भी लिखवा रखा है कि होली की रात और जो दिवाली की रात होती है, ये दो दिन जो होते हैं ये बहुत पावरफुल दिन होते हैं. कुछ गलत जो लोग करते हैं, गलत तरीके से तंत्र को इस्तेमाल कर रहे हैं जो अलाउड नहीं है, उनके लिए भी, और जो सही तरीके से किसी की मदद करना चाहते हैं तंत्र के थ्रू और सही रास्ते पे चल रहे हैं, उनको भी इस रात को बहुत मदद मिलती है रिमूवल्स करने में, नेगेटिव चीज़ों को भगाने में, दूर करने में या ख़त्म करने में. ओके, तो इसी के बारे में टॉपिक है कि होली का दिन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है. जो होलिका जलाई जाती है जिस रात, एक दिन पहले जब खेल रंगों से होली खेली जाती है, उससे एक दिन पहले जो रात होती है जब होलिका दहन किया जाता है, वो रात की मैं बात कर रही हूँ कि वो बहुत पावरफुल रात है. तो कुछ लोग जो लोग हैं जो ब्लैक मैजिक विक्टिम्स हैं, उनको लगता है सबसे पहले होली के आने से पहले अपनी केस स्टडी कराओ, डायग्नोसिस कराओ, ताकि पहले पता चले कि तुम सच में ब्लैक मैजिक विक्टिम्स हो या वशीकरण विक्टिम्स हो या नहीं हो. अगर तुम निकल, जो पेड सर्विस है, अगर वो निकल के तुम आ जाते हो कि यस तुम्हारे ऊपर कोई ऐसी चीज़ हो रखी है, तो होली के दिन, होलिका की रात को इस चीज़ को जो है रिमूव करने का जो एक स्टार्टिंग प्रोसेस है, या उसमें एक प्रोटेक्शन शील्ड तैयार करने का, ब्लॉकेज देने का जो सिस्टम है वो किया जा सकता है, क्योंकि बहुत पावरफुल तरीके से किया जा सकता है. मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड केसेस, मोस्ट डेंजरस केसेस जो है ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी से रिलेटेड, इसमें होली का दिन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है. ठीक है, अब वशीकरण, जैसे मैंने कहा रिमूवल ऑफ वशीकरण, वशीकरण क्या है ज़रा जल्दी से, जो लोग वो वैसे तो लोग समझते हैं बट बता देती हूँ शॉर्ट में. तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल कर लेना, ताकि तुम जो वो चाहें, जिस तरीके से तुमसे काम करवाना चाहें, तुमको लाइफ में ऑपरेट करना चाहें, वो कर सकें. एक तरीके से कठपुतली बना देना अपना, कि तुम्हारा खुद का दिमाग जो है वो ऑफ हो जाना और किसी और के दिमाग से तुम चल रहे हो, जैसा वो चाह रहा है वो तुम कर रहे हो बिना सोचे समझे. दैट इज़ वशीकरण. अलाउड नहीं है, नहीं करना चाहिए ये खेल, इसलिए तंत्र विद्याएं नहीं बनाई गई हैं. लेकिन आजकल पैसों के लिए कलयुग चल रहा है भाई, तो जो तांत्रिक्स हैं, जो गलत कामों में कुछ तांत्रिक्स जो हैं वो जो पड़े हुए हैं पैसे की वजह से, तो वो करते हैं आजकल. तो ये एक बहुत नॉर्मल वो चीज़ हो गई है. वशीकरण, वशीकरण सुनती रहती हूँ मैं हमेशा, वेबसाइट्स भी वशीकरण करा लो, ये करो. नहीं कराना चाहिए. ओके, उसके मैंने अलग टॉपिक्स बना रखे हैं, वशीकरण नहीं कराओ किसी का. हाँ, रिमूवल है, कोई अगर इस चीज़ में फंसा हुआ है, किसी ने तुम पे कर दिया है और उस चीज़ को तुम रिमूव कराना चाहते हो, वो चीज़ हम करते हैं, हम कोई वशीकरण नहीं करते हैं. ओके, बिल्कुल एंटरटेन नहीं करते. तो यहाँ रिमूवल ऑफ वशीकरण की बात हो रही है, कि अगर ऐसा कुछ हो रखा है तो ये समय अपनी ब्लॉकेज देने का, बैरियर देने का बहुत सही समय है. ठीक है, अब इसके अलावा जो है, जो तंत्र साधक हैं, जो तंत्र को स्टडी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं तंत्र के, ओके, उनके लिए भी ये दिन जो है बहुत ही पावरफुल दिन है, बहुत ही ऑस्पिशियस दिन है. क्योंकि इस दिन ऐसी फ्रीक्वेंसीज कुछ हो रही होती हैं उस रात्रि में, नक्षत्र कुछ ऐसे बन रहे होते हैं, ऐसी एनर्जीज होती हैं चारों तरफ, जो जिससे तुम सिद्धि प्राप्त कर सकते हो, पावर प्राप्त कर सकते हो. पूरे साल भर 12 महीनों के लिए एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी कलेक्ट करके अपने कामों में लोगों की मदद करने के लिए, अपनी पावर बढ़ाने के लिए इस रात्रि का इस्तेमाल किया जाता है. इस रात्रि में, होलिका रात्रि में ये चीज़ें की जाती हैं, समझे. तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये दिन बहुत पावरफुल है, अगर तुम सिद्धि गेन करना चाह रहे हो, क्योंकि ये दिन जो एनर्जी तुम कलेक्ट करोगे पूरे साल भर तुम्हें काम आने वाली है. तो इसको बेकार मत जाने देना, होलिका की रात को. ठीक है,
तो वशीकरण, जैसे मैंने कहा, रिमूवल भी इस रात को अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है तो भी जो है बहुत फ़ायदेमंद होगा अगर इसकी शुरुआत भी हो जाती है रिमूवल की, वशीकरण रिमूवल की, इस होली के रात को। ठीक है, तो जो लोग हैं उनको लगता है विक्टिम्स हैं, केस स्टडी कराएं, पेड सर्विस है केस स्टडी, और पता करें हम विक्टिम्स हैं, और अगर है तो उसका इलाज जो है अगर हो सकता है वो केस स्टडी में पता चल जाएगा, उसका शुरुआत कम से कम करवा दें। इस बारे में मैंने ये वीडियो बनाया है और तंत्र साधक के लिए। ठीक है, तो बस इतना ही, नेक्स्ट वीक अनदर टॉपिक में लेके आऊँगी। टिल देन गुड बाय।